लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पीरियडिक टेबल में ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं पीरियड कैसे फ़ाइंड करते हैं इसके अलावा पीरियोडिक टेबल लर्न कैसे की जाती है उसकी जो ट्रिक्स थी वो भी हमने देखी थी सो द टॉपिक फॉर द टुडे इज़ एटॉमिक रेडियस तो सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है और उसके अराउंड ये उसके शेल्स हैं तो होता क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ तक है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द रेडियस मगर दिक्कत क्या आती है रेडियस को मेज़र करने में जो इलेक्ट्रॉन है हमें पता है इट इज़ नॉट मूव इन सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन सो इलेक्ट्रॉन जो है वेव है तो वेव है तो कैसे मूव करेगा वो इस तरह से मूव करेगा तो अगर कोई चीज़ वेव की फॉर्म में मूव कर रही है तो हम उसका जो एग्जैक्ट रेडियस है वो बता ही नहीं सकते इसके अलावा एटम बहुत छोटा है तो इतने छोटे जो पार्टिकल है उसका रेडियस बताना एक डिफिकल्ट टास्क रहता है और एटम की को कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री तो है नहीं तो कैसे बता सकते हैं हम कि उसका रेडियस कितना है तो इसके लिए हम जो एटम का रेडियस है वो उसकी सिंगल स्टेट और जब वो अकेला है तो उस स्टेट में नहीं कैलकुलेट करते हैं तो एटम का रेडियस जब भी कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है उसका बाउंडेड स्टेट में जब एटम किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में हैं उस टाइम पे उसका जो रेडियस है वो कैलकुलेट किया जाता है सिंगल स्टेट में रेडियस कैलकुलेट नहीं किया जाता है ठीक है तो एटॉमिक रेडियस जो है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे और आगे कैसे कैसे वेरिएशन होता है एक्सेप्शन क्या होते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बेसिकली हम उसको फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज द कोवलेंट रेडियस सेकेंड वन इज द मेटेलिक रेडियस थर्ड वन इज द वंडरवर्ल्ड रेडियस एंड द फोर्थ वन इज आइनिक रेडियस तो ये हमारे पास टोटल चार टाइप्स के रेडियस होते हैं एटॉमिक रेडियस हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक्स ऑफ सब टॉपिक्स ऑफ कोवलेंट रेडियस मेटेलिक रेडियस वनडरवॉल रेडियस एंड आइनिक रेडियस तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोवलेंट के साथ तो फर्स्ट इज कोवलेंट रेडियस कोवेलेंट so, रेडियस क्या होता है हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक एटम है उसने किसी दूसरे एटम के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रखा है अब ये जो रीजन है दिस इज द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर क्या होता है दोनों मर्ज हो जाते हैं एक का न्यूक्लियस यहाँ पर है और दूसरे का न्यूक्लियस यहाँ पर है तो ये रहे इन दोनों के न्यूक्लियस अगर हमें इनका रेडियस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया हमारा सपोज़ कर इसकी जो लेंथ है वो डी है अगर मैं इसका हाफ कर दूँ यहाँ पर तो दिस इज द हाफ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी बाई टू ये भी डी बाई टू तो हाफ़ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इनका अगर मैं हाफ कर दूँ तो वो क्या कहलाएगा एटॉमिक रेडियस तो हाफ़ ऑफ़ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कोवलेंट बाउंड बन रखा है उनके बीच का अगर मैं हाफ डिस्टेंस निकाल लेता हूं तो क्या होगा मेरा कोवलेंट रेडियस होगा ठीक है वन इज़ मेटेलिक रेडियस सो मेटालिक रेडियस क्या होता है मेटल ने सपोज करो हमारे पास तो मेटल में जो एटम्स होते हैं वो ऐसे एक दूसरे से चिपक चिपक के अरेंज होते हैं ये उनका न्यूक्लियस है तो होता क्या है कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स में प्रेजेंट होंगे सभी जितने भी मेटल्स के आइंस होंगे सभी में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे घूम रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन का पूरा एक लाइक like, सरफेस सा बन जाएगा पूरा एक सी बन जाएगा पूरा कि और वी कैन से इट इज़ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्योंकि आउट्रोमोस में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री मूव कर रहे हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक दूसरे से अट्रैक्शन करते हैं सिर्फ आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन करेंगे तो एक टाइप का जो बॉन्ड है वो बन जाएगा बॉन्ड इज लाइक सम अट्रैक्शन तो एक तरह का एक बॉन्ड बन जाएगा तो दैट बॉन्ड इज़ कॉल्ड मेटालिक रेडियस तो जैसे इस वाले एटम और इस वाले एटम इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन हो रखा है तो ये रही इनकी टोटल डिस्टेंस लाइक सपोज करो मैं इसको डिस्टेंस को मान लेता हूँ डी और इनकी जो हाफ डिस्टेंस हो जाएगी दैट डिस्टेंस डी बाई टू इट इज़ कॉल्ड द मेटालिक रेडियस तो सिंपल सी डेफिनेशन है हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक ऐटम्स दो मेटल के एटम्स उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनका हाफ़ कर दो तो जो भी उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर दोगे तो क्या निकल जाएगा मेटेलिक रेडियस कोवलन क्या आता एटम जो थे एक दूसरे में मर्ज हो रखे थे उनके बीच का डिस्टेंस हम हाफ कर रहे थे ठीक है थर्ड आता है वंडरवाल रेडियस तो वंडरवाल रेडियस जो है ये खासा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज कैलकुलेटेड इन नॉन बॉन्डेड एटम तो नॉन बॉन्डेड आइटम्स में वंडरबॉल रेडियस कैलकुलेट किया जाता है तो लाइक like सपोज करो हमारे पास लाइक like हम सी ओ टू लेते हैं और ऐसे ही सी ओ टू अगर हमारे पास है तो बहुत सारे सी ओ टू के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हो क्या कि लाइक like सपोज़ करो मैंने मान लिया कि ये एक मेरा सी ओ टू है ऐसे ही बहुत सारे सी ओ टू होंगे जिस भी मीडियम में प्रेजेंट होंगे उसमें तो बहुत सारे सी ओ टू होंगे तो वो नियरेस्ट दो नियरेस्ट सी ओ टू को हम ले लिया हमने उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है या डिस्टेंसिज़ डी और उस डिस्टेंस का अगर मैं हाफ़ कर लूँ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी बाई टू हो जाएगा तो हाफ़ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम जो दो एटम एकदम नियरेस्ट आ रखे हैं इतने पास आ रखे हैं कि वो उससे और पास आ ही नहीं सकते उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर मैं हाफ़ कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा मेरा वंडरवॉल रेडियस निकल जाएगा तो ये मेरा थर्ड हो गया वंडरवाल रेडियस तो एक बार समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर्स कोवलट में क्या था कुछ इस प्रकार का था मेटेलिक में क्या था कुछ इस टाइप का था और वनडरबॉल में क्या है कुछ इस टाइप का है इसके बीच का डिस्टेंस उनका हाफ कर दिया यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस इसका हाफ कर दिया और यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस इसका हाफ कर दिया तो दिस इज फॉर द कोवलेंट रेडियस दिस इज़ फॉर द मेटेलिक रेडियस एंड दिस इज़ फॉर द वंडरबल रेडियस तो स्टूडेंट्स ये आप देख के ही इसको जान सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि कोवलेंट मेटालिक और वंडरवॉल्ड इन तीनों में से सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा या अगर क्वेश्चन आ जाए लाइक सपोज करो कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो देख के पता चल रहा है सबसे छोटा कौन सा होगा सबसे छोटा होगा कोवलेंट रेडियस उससे बड़ा कौन सा होगा मेटेलिक रेडियस और सबसे बड़ा कौन सा होगा वंडरवॉल रेडियस तो ये जो क्वेश्चन है कभी कभी आ जाता है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कोवलेट मेटालिक और वंडरबल रेडियस है इनको अरेंज करने आना चाहिए सो वंडरबल रेडियस को देखने के बाद जो वंडरबल रेडियस है वो किसके लिए मेजर किया जाता है देखो तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जो वंडरबल रेडियस है वंडरबल रेडियस इज मेजर्ड फॉर द नोबल गैसेज जो नोबल गैसेस हैं नोबल गैसेस के लिए वंडरबल लेडीज मेजर किया जाता है लाइक like, हम बेरिलियम, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियोन ये हमारे पास एक पीरियड हो गया तो इसमें जो नियोन है क्योंकि सारे के सारे जो नोबल गैसेस होते हैं दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस। क्योंकि इनका पेट तो पहले से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन दिन में क्या होते हैं टोटली totally फिल्ड होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं सो द एग्जिस्टिंग मोनाटोमिक फॉर्म तो एक नियोन है ऐसे ही दूसरा नियोन होगा तो इनके बीच का जो रेडियस निकाला जाएगा दैट इज़ वंडरबल रेडियस सो नोबल गैसेज जो होते हैं उनके लिए जो रेडियस कैलकुलेट किया जाता है दैट इज़ वंडरबल रेडियस और क्योंकि वंडरबल रेडियस सबसे बड़ा होता है इसीलिए अपने पीरियड में नोबल गैसेज सबसे बड़े होते हैं देखो तो ये नॉर्मल ट्रेंड है उससे एक्सेप्शन है जैसे अगर हम मूव करते हैं एक पीरियड में तो साइज़ क्या होता है साइज़ विल डिक्रीज क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव वो बढ़ने लगता है तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ये वेरिएशन साइज़ और जेड इफेक्टिव का होता है जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ही कम क्या हो जाएगा साइज़ हो जाएगा तो जैसे जैसे मूव करेंगे पीरियड में वैसे वैसे साइज़ क्या होता रहेगा कम होता रहेगा मगर जैसे ही हम पहुँचेंगे नोबल गैस के पास तो पूरी नोबल गैसेज में अपने पीरियड में सबसे हाइस्ट साइज कौन रखता है नोबल गैसेस लाइक हीलियम यहाँ पर और नियन आर्गन क्रिप्टन एंड जेनोन तो जिस भी पीरियड में ये आ रहे हैं इनका जो रेडियस होगा ये सबसे क्या होगा हाईएस्ट होगा बिकॉज वंडरफुल रेडियस इज़ कैलकुलेटेड फॉर नोबल गैस दिस इज़ अबाउट द टाइप ऑफ रेडियस जो चौथा होता है वो आइनिक रेडियस होता है आइनिक रेडियस को हम एक अलग टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे लास्ट में तो सबसे पहले जो ये तीन टाइप के रेडियस हैं इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अटोमिक साइज को वेरी कराते हैं तो देखेंगे हम फैक्टर्स एफेक्टिंग अटोमिक रेडियस कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑटोमिक रेडियस जिन पे वेरी करता है तो फर्स्ट इज द न्यूक्लियर चार्ज तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज तो होता क्या है देखो बहुत सिंपल सा है लाइक like, सपोज करो मेरे पास एक एटम है और एक दूसरा एटम है तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस क्या करेगा उसे अपनी तरफ खींचेगा तो अगर न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच रहा है तो जहाँ पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा खींच जाएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा खींच गया तो साइज़ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर सपोज़ करो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है तो क्या होगा न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा उसे जब न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा तो साइज क्या रहेगा बड़ा रहेगा सो so, रिलेशन क्या बन जाता है इसमें एटॉमिक साइज साइज बोल लो या रेडियस बोल लो दोनों बातें सेम ही रहेंगी एटॉमिक साइज और रेडियस कैसे वेरी करता है न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्सली वेरी करता है तो एटॉमिक रेडियस वेरी इनवर्सली विद द न्यूक्लियर चार्ज तो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट रिलेशन इसको ध्यान रखना क्वेश्चन आते हैं यहाँ से अटोमिक रेडियस जो है वो न्यूक्लियर चार्ज से कैसे वेरी करता है इनवर्सली वेरी करता है जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगा रेडियस होगा सिंपल सी बात है चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर खींच लिया जाएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर खींच लिया गया तो साइज ऑल ऑलरेडी छोटा हो जाएगा ठीक है तो दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज सेकेंड देखेंगे हम सेकेंड फैक्टर जो कि साइज को इफेक्ट करता है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट या इसी को कहते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो शील्ड का मतलब क्या होता है शील्ड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट शील्डिंग का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट The screening of the outer electron by the inner electron from the charge of nucleus in an atom. इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट द स्क्रीनिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन फॉर्म द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो होता क्या है लाइक like, सपोज करो कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास शेल्स हैं तो होगा क्या कि सभी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा न्यूक्लियस से खींचेगा और वी कैंसे न्यूक्लियस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो साइज़ छोटा होगा जैसे ऊपर देखा था हमने कि ज़्यादा जोर से खींच लेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा ज़्यादा छोटा हो जाएगा मगर सपोज़ करो होता क्या है कि अगर कोई ऐसा शील्ड आ जाए जहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज बाहर ही ना निकल पाए तो उस केस में क्या होगा लाइक यहाँ से इलेक्ट्रॉन है और ये जो शेल है इस शेल की जो शील्डिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि तो शील्डिंग बहुत अच्छी है तो उसे होगा क्या कि न्यूक्लियस का चार्ज बाहर जाएगा मगर मैक्सिमम चार्ज को कौन रोक लेगा ये वाला जो शेल के इलेक्ट्रॉन है इस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम तुम तो हमें खींचो हम तुम्हें बाहर जाने ही नहीं देंगे तो जब इस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने ही नहीं देंगे तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस का कम हो जाएगा तो अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज क्या हो जाएगा उस केस में थोड़ा बड़ा हो जाएगा कम नहीं हो पाएगा ठीक है सो वैन द शील्डिंग इज़ वेरी गुड देन साइज विल इंक्रीज तो ये सेंटेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब शील्डिंग बहुत ही अच्छी होती है तो साइज़ क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा देखो सिंपल सी बात है चार्ज जो है यहाँ से यहाँ से बाहर जा रहा है जब चार्ज बाहर जा रहा है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बाहर जाने नहीं देंगे तो जब बाहर जाने नहीं देंगे इसको रोक लेंगे जो न्यूक्लियस का चार्ज है तो वो बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं तो आउटरमोज जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले अंदर खींच नहीं पाएंगे ये बाहर ही रह जाएंगे तो जब खींच नहीं पा रहे हैं अंदर तो साइज़ क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो मतलब शील्डिंग इज़ वेरी गुड देन साइज़ विल इंक्रीज ठीक है सेकेंड केस क्या हो सकता है द शेल्डिंग इज पुअर द शिंग इज पुअर तो जब शील्डिंग पुअर होगी तो देखो क्या होता है ये न्यूक्लियस और ये रहे उसके शेल्स यहां इलेक्ट्रॉन है ये खाली पड़ा हुआ है इसको हटा दो हम्म तो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा और ये हो गया मेरा मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो होगा क्या कि लाइक सपोज करो जो ये वाला शेल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो बाहर जाना चाहता है यहाँ से बाहर जाएगा यहाँ से यहाँ से न्यूक्लियस का चार्ज बाहर जाना चाहता है मगर क्या हो जब ये वाला जो है ये इसको प्रोटेक्ट ही ना कर पाए जो प्रोटेक्शन है वो क्या है बहुत ही कम हो गई तो जब प्रोटेक्शन ही नहीं है तो क्या होगा न्यूक्लियस का चार्ज बाहर जाएगा और बाहर जा के क्या करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दिस इलेक्ट्रॉन विल फील मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस तो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हमें पता ही क्या हो जाएगा साइज कम हो जाएगा क्योंकि तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है जोर से खींच रहा है तो जब न्यूक्लियस जोर से खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सो so, यहां से मैं एक सेंटेंस बना सकता हूं वेन द शील्डिंग इज वेरी पुअर देन साइज डिक्रीज। तो जब शील्डिंग बहुत ही बेकार होगी तो न्यूक्लियस के चार्ज को रोकने वाला कोई है ही नहीं न्यूक्लियस का चार्ज बाहर जाएगा और बाहर जाके आउटोमोस इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर ले आएगा तो उस केस में साइज़ क्या होगा छोटा हो जाएगा सो दिस इज़ अबाउट द शील्डिंग तो शील्डिंग में हमें याद क्या रखना है कि जब शील्डिंग बहुत ही बेकार होती है तो साइज़ छोटा हो जाता है एंड वेन द शील्डिंग इज वेरी गुड द साइज विल इंक्रीज तो दोनों जो सीनरियो हैं वो आपको बता दिए हैं ठीक है तो दिस इज अबाउट द शील्डिंग और एक तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि वट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है द स्क्रीनिंग ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं द स्क्रीनिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा रहे हैं किससे बचा रहे हैं न्यूक्लियस के प्रकोप से बचा रहे हैं न्यूक्लियस के प्रकोप से बचा रहे हैं इन द सेंस कि चार्ज बाहर जाएगा और उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर लाएगा तो अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज पहुँचे ही ना तो अंदर ही नहीं खींच पाएगा तो दिस इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग ठीक है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाना फ्रॉम द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से दिस इज़ कॉल्ड द शील्डिंग ठीक है हमें पता है कि हमारे पास जो सबशेल्स होते हैं सबशेल हमारे पास होते हैं चार एस पी डी और एफ तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इनका शील्डिंग का ऑर्डर क्या होता है शील्डिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल तो एस जो होता है हमें पता है स्फेरिकल होता है तो स्फेरिकल होता है तो इसमें बहुत ही साइज़ जो होता है एकदम कॉम्पैक्ट होता है तो न्यूक्लियस के चार्ज को बिल्कुल बाहर जाने ही नहीं देता तो सबसे अच्छी शील्डिंग इसकी होती है एस की होती है देन फिर पी की डी और एफ में क्या होता है जो साइज़ है ये बहुत बड़ा होने लगता है तो साइज़ क्या हो जाता है डिफ्यूज़ हो जाता है तो जब साइज डिफ्यूज हो जाएगा उस केस में जो शील्डिंग है शील्डिंग बिकम्स वेरी पुअर तो डी आर एफ की शील्डिंग बहुत ही बेकार होती है हद बेकार होती है और एस और पी की शील्डिंग जो है वो अच्छी होती है ठीक है तो एस और P पी की शील्डिंग इज गुड डी आर एफ की बेकार एफ की तो हद बेकार होती है ठीक है तो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग अब बच्चों देखो शील्डिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और आते हैं जो कि उनके यू कैन से कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं शील्डिंग के तो शील्डिंग हमने जो पढ़ी है अब उसे हम क्या करेंगे क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखेंगे कि हाउ द शील्डिंग वर्क्स ठीक है तो इसमें एक तो हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन सेकेंड आएगा लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन ठीक है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली एक्सेप्शन ही होते हैं और इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एक्सेप्शन ही है क्योंकि पूछे ही एक्सेप्शन जाते हैं कोई आपसे ही नहीं पूछेगा कि नीचे जाते हुए साइज़ क्या होगा या पीरियडे मूव कर रहे तो साइज क्या होगा तो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखनी है वो है एक्सेप्शन ठीक है तो एक्सेप्शन याद रखनी है इसमें सारे के सारे हम थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज और वी कैन से पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक साइज पीरियोडिसिटी क्या होती है जो एक के बाद एक के बाद सेम चीजें आती रहें एक के बाद दूसरा पीरियड दूसरे के बाद तीसरा पीरियड तो जो सेम इंटरवल पे बार बार चीजें रिपीट होती हैं दैट इज कॉल्ड पीजियोडिसिटी ठीक है तो वेरिएशन ऑफ फोटोमिक साइज कैसे देखेंगे हमारे पास दो ही चीज़ें देखने के लिए एक तो होता है कि हम नीचे जाते हुए देख लें एक होता है कि हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देख लें ठीक है तो यहाँ से जाते हुए क्या होता है दिस इज ग्रुप और यहाँ से यहाँ जाते हुए ये होंगे पीरियड तो अगर मैं वेरिएशन देखूँ तो दिस इज ग्रुप और ये क्या होगा पीरियड तो बस सिंपल सी बात है आपने नाइन टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि एज यू मूव फ्रॉम अप टू डाउन द साइज विल इंक्रीज साइज बड़ा होता है क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं नए नए शेल न्यू शेल्स एडेड एच ईट स्टेप जैसे पहला पीरियड दूसरा पीरियड तीसरा पीरियड चौथा पीरियड पांचवा पीरियड छठा पीरियड तो जैसे जैसे हम पीरियड में नीचे नीचे मूव करते जाएंगे जैसे जैसे पीरियड चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा जो शेल्स हैं बढ़ते जाएंगे और जब शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा साइज जो है बड़ा होता जाएगा तो सबसे पहला हम क्या लिख सकते हैं अलोंग ग्रुप तो अलोंग ग्रुप में क्या होता है एज ए मूव डाउनवर्ड साइज विल इंक्रीज एज न्यू शेल आर एडेड एट ईच स्टेप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे नया नया शेल एड होता जाएगा और नए नए शेल्स के ऐड होने की, की वजह से साइज क्या होगा बढ़ता जाएगा तो दिस इज़ फॉर द वेरिएशन अलॉन्ग द ग्रुप अगर हम पीरियड की बात करें तो लाइक सपोज करो कि मैंने एक पीरियड ले लिया कोई सा थर्ड पीरियड ले लिया तो हमें पता है कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो साइज क्या होगा और शेल्स क्या होंगे शेल्स जो हैं वो दे रिमेन सेम तो जो सेकेंड वेरिएशन है सेकेंड वेरिएशन देखते हैं हम अलॉन्ग पीरियड तो पीरियड के अलॉन्ग कैसे वेरिएशन होगा तो like, um, लाइक ले हम ले लेते हैं पीरियड नंबर थर्ड का सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, ठीक है इसको हम देखेंगे अलग से ही ये एक्सेप्शन में आएगा ठीक है तो पहले नॉर्मल ट्रेंड देखते हैं तो सोडियम मैग्नीशियम ये सब दे बिलोंग ऑल बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड तो सारे सारे तीसरे पीरियड से बिलोंग करते हैं पीरियड से बिलोंग करने का मतलब क्या होता है पीरियड नंबर जितना होता है किसी भी एलिमेंट के लिए उसके शेल्स भी उतने ही होते हैं तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन या आर्गन भी ले लो तो उन सब में क्या होते हैं दे ऑल हैज़ थ्री शेल्स तीन ही शेल हैं इसमें तो जब शेल तीन हैं मगर जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे जो नंबर ऑफ प्रोटोन हैं नंबर ऑफ प्रोटोन वो क्या होगा बढ़ता जाएगा लाइक like, सोडियम में ग्यारह प्रोटोन होते हैं मैग्नीशियम में बारह होते हैं एल्युमिनियम में तेरह होते हैं सिलिकॉन में चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और आर्गन में 18 प्रोटोन होते हैं तो जैसे इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं लाइक like सपोज करो कि ये एक हमारे पास एटम है ये एक दूसरा एटम है और ये एक तीसरा एटम है तो लाइक सपोज करो देखो सब इनके पास क्या है एक दो तीन शेल इनके भी तीन ले लो एक दो तीन शेल और इसके भी तीन ले लो एक दो तीन शेल तो सब में कितने कितने शेल हैं सब में तीन तीन शैल हैं तो सपोज करो कि इसको मैं सोल सोडियम मान लेता हूँ इसको मैग्नीशियम मान लेता हूँ इसको एल्यूमिनियम मान लेता हूँ तो एल्यूमियम में मुझे पता है तेरह प्रोटोन होते हैं इसमें बारह प्रोटोन होते हैं और इसमें ग्यारह प्रोटोन होते हैं अब जगह मेरे पास इतनी ही बड़ी है तीन शल जितनी बड़ी है जगह अब इसी जगह में ग्यारह लोग खींच रहे हैं उसी तीन शल वाली जगह में बारह लोग खींच रहे हैं और उसी तीन शल वाली जगह में तेरह लोग खींच रहे हैं तो ज़्यादा कौन खींच लेगा और बैसी बात है जिसके पास ज़्यादा प्रोटोन है वो ज़्यादा खींच लेगा तो ज़्यादा खींच लेगा तो उस केस में साइज़ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और ये हमने छोटी छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है एज यू मूव अलॉन्ग ए पीरियड द साइज़ विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द एट्रेक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटोन्स तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं वैसे वैसे क्या होता है नंबर ऑफ ऑफ प्रोटोन्स हैं नंबर ऑफ प्रोटोन्स बढ़ते जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटोन्स के बढ़ने की वजह से जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है कम होने लगता है तो ये है हमारे पास वेरिएशन की कैसे होता है हमारे पास ग्रुप में तो सिंपल से बात ग्रुप में जाते हुए क्या होगा साइज बढ़ेगा और पीरियड में जाते हुए साइज़ छोटा होगा ग्रुप में जाते हुए साइज़ बढ़ेगा तो ये नॉर्मल ट्रेंड है मगर दुनिया इतनी सीधी नहीं है कि जो आसानी से चलती जाए तो इस जो नॉर्मल ट्रेंड पढ़ा है हमने इसके होते हैं बहुत सारे एक्सेप्शन तो वो एक्सेप्शन क्या हैं वो ही इम्पोर्टेंट हैं और वो हम आगे देखने वाले हैं जैसे ऊपर हमने देखा था ये दो चीज़ें आई थी जो द डिवलप कॉन्ट्रेक्शन एंड द लेंथराज कॉन्ट्रेक्शन तो ये दो चीज़ें हैं ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ये साइज़ का जो वेरिएशन है उससे ही रिलेटेड है ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन लाइक इसको क्वेश्चन के टाइम जरिए समझते हैं लाइक सपोज करो हम ग्रुप नंबर थर्टीन लेते हैं तो ग्रुप नंबर थर्टीन जो है वो लास्ट क्लास में जो हुई थी उसमें सिखाया था कि थर्टीन कैसे याद करते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला बोरोन एलुमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम मूव करेंगे ये सारे के सारे दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे एक ग्रुप में तो साइज का वेरिएशन कैसे होना चाहिए बोरोन से बड़ा एलुमीनियम बोन से बड़ा एलुमीनियम एलुनियम से बड़ा गैलियम गैलियम से बड़ा इंडियम और इंडियम से बड़ा थैलियम तो नॉर्मल जो ट्रेंड है हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि बोरोन एलुमीनियम गैलियम इंडियम थैलियम ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ हो जाएंगे मगर ऐसा होता नहीं है दिक्कत आ जाती है यहाँ पर ठीक है और दिक्कत क्या आती है चलो देखते हैं तो मेरे पास क्या है एलुमीनियम है और गैलियम है नंबर निकालना बताया था लास्ट क्लास में जो जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट क्लास का वीडियो वो लोग जाके देख सकते हैं बोरन कितना होता है फ़ाइव होता है फ़ाइव में हमने एट ऐड किया एल्युमिनियम थर्टीन हो गया एल्युमिनियम इज़ थर्टीन थर्टीन में एटी ऐड करेंगे गैलेमज़ थर्टी वन तो गैलियम कितना होता है थर्टी वन होता है ठीक है ऐसी इंडियम और थैलियम थैलेम का निकालना है तो इसमें एक बार और एटी ऐड करेंगे और इसमें थर्टी टू ऐड करेंगे ओके okay. तो जिनको नंबर्स नहीं निकालना आ रहे हैं वो लोग जो फर्स्ट आ, क्लास है उसको एक बार देख लेंगे उसमें बताया हुआ है कि ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं पीरियड कैसे फाइंड करते हैं इसके अलावा जो नंबर है नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं शॉर्ट तरीके से ठीक है तो देखो एल्यूमिनियम और गैलियम चलो इनका कन्फिग्रेशन भरते हैं गैलियम में कहाँ गया आखिरी इलेक्ट्रॉन फर पी वन में गया है गेले में गया है फोर पी वन में और थ्री पी वन में है थ्री पी वन में है एल्यूमिनियम में अब देखो इसे दिक्कत क्या आएगी थ्री डी है फोर पी से जस्ट पहले जो शेल है थ्री डी अब हमने पढ़ा है अभी डी की शील्डिंग कैसी होती है पुअर जब डी की शील्डिंग बेकार है तो इससे होगा क्या न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो डी तक आएगा और डी तक आने के बाद क्योंकि डी जो है इसका साइज़ क्या होता है डिफ्यूज़ होता है तो ये शील्डिंग इसकी बेकार है तो न्यूक्लियस के चार्ज को ये प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएगा वो चार्ज जाएगा बाहर और बाहर फोरपी वालों को खींच के अंदर खींच लेगा तो जब फोर पी वाला ज़्यादा ज़ोर से अंदर खींच जाएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा मगर यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम के केस में जो आउटर मोस्ट है वो थ्री पी है उससे जस्ट पहले कौन है टू एस और हमें पता है कि जो एस की शील्डिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है जब शील्डिंग बहुत अच्छी है तो एल्यूमिनियम जो है वहाँ से जब न्यूक्लियस का चार्ज निकलेगा तो मैक्सिमम चार्ज को कौन रोक लेगा एस रोक लेगा और पी के पास जाने ही नहीं देगा तो जब चार्ज पी के पास जा नहीं रहा है तो जो पी का इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा एज़ कम्पेयर टू द गैलियम गैलियम में क्योंकि डी पड़ जा रहा है उसके आगे तो डी चार्ज को रोकेगा ही नहीं चार्ज एकदम खुला जाएगा घूमता हुआ और किसको खींच के अंदर लाएगा जो पी का इलेक्ट्रॉन उसको अंदर खींच लेगा तो जब पी वाला इलेक्ट्रॉन अंदर खींच जाएगा जिसकी वजह से साइज क्या होगा छोटा हो जाएगा तो अब इसका कंक्लूज़न देखें तो ऐसा होता क्या है कि नॉर्मली होना क्या चाहिए एलमिनियम जो है उसको छोटा होना चाहिए और गैलियम को बड़ा होना चाहिए मगर ऐसा होता नहीं है दिस डजेंट हैपन जो गैलियम है वो छोटा हो जाता है और एलुमिनियम जो है वो बड़ा हो जाता है तो ये एक्सेप्शन जो है ये याद रखना है द साइज़ ऑफ गैलीम इज लेस एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम गैलेम में चार शेल हैं ध्यान रखना और एलुमिनियम में तीन ही शेल थे जो नॉमल ट्रेन पढ़ा था हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज़ बड़ा होता है मगर यहाँ पर देखो चार शेल ले के भी गैलीम छोटा हो गया और तीन शेल ले के भी एलमिनियम बड़ा हो गया क्यों हो गया ड्यू टू दुअर शील्डिंग ऑफ द डी सब शेल डी सब शेल की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज़ क्या हो गया छोटा हो गया ठीक है सो so, अगर ये उसमें ऊपर समझाए कि एल्यूमियम का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है गैलियम का साइज़ छोटा हो जाता है तो अगर इसको स्टेटन फॉर्म में लिखना है तो स्टेटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैं लिख देता हूँ तो एल्यूमिनियम से साइज जो है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है गैलियम का साइज़ कम हो जाता है एल्यूमियम जो है वो बड़ा हो जाता है क्यों होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ थ्री डी इलेक्ट्रॉन गैलियम ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन सेकेंड एक्सेप्शन देखेंगे हम इट इज़ अबाउट द लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो देखो लेंथनाइड uh, कॉन्ट्रेक्शन में होता क्या है लाइक एग्जांपल से समझते हैं ऐसे हम तो लाइक सपोज करो हमारे पास ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर थ्री है एंड ग्रुप नंबर फोर है तो थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम येट्रियम लेंथेनम फोर्थ ग्रुप में टाइटेनियम ज़िरकोनियम एंड हॉफनियम ये एलिमेंट होते हैं देखो नॉर्मल ट्रेंड जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो नीचे जाते हुए साइज क्या होगा बढ़ेगा यहाँ पर भी नीचे जाते हुए साइज क्या होगा बढ़ेगा मीन्स स्कैंडियम से बड़ा येट्रियम और येट्रियम से बड़ा लेंदनम नॉर्मल ट्रेंड ये इसमें क्या होना चाहिए टाइटेनियम उससे बड़ा ज़िरकोनियम उससे बड़ा हॉफनीम मगर ऐसा होता नहीं है होता क्या है कि टाइटेनियम से बड़ा ज़िरकोनियम तो होता है मगर ज़िरकोनियम और हॉफनीम दे ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई जिरकोनियम एंड दे हैज सिमिलर रेडियाई ठीक है ज़िरकोनियम हॉफनियम जो है इनका जो रेडियाई है वो सिमिलर होता है ठीक है अब हो क्यों रहा है ऐसा इसका रीज़न फाइंड करते हैं उसके लिए हमें चाहिए उनके एटॉमिक नंबर जिरकोनियम एंड हॉफनियम जिरकोनियम इज 40 एंड हॉफनीम इज सेवेंटी टू तो चलो इनका कन्फ्योगेशन भरते हैं ठीक है अब देखो हो क्या रहा है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर डी टू में है जिरकोनियम का हॉफियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन फाइव डी टू में है ये फोर्थ पीरियड में है और ये फिफ्थ पीरियड में है तो देखो जो फोर डी और फाइव डी हैं इनसे जस्ट पहले वाला जो शेल है वह या सब शेल कुछ ही बोल लो तो इनसे पहले वाला जस्ट जो है उसको देखो जो स्क्रीन स्क्रीनिंग या शील्डिंग देखी जाती है वो जस्ट उनसे पहले जो शेल प्रेजेंट होगा उसमें ही देखी जाती है देखो तो फोर्डी से पहले कौन है 5S? एस अब पढ़ा है कि जो एस की शील्डिंग होती है इट इज़ वेरी गुड एस की शील्डिंग बहुत ही अच्छी होती है जबकि यहाँ पर कौन आ गया एफ आ गया सारा बंटाधार इसी ने कर दिया क्योंकि तो इसकी जो शील्डिंग होती है वो हद बेकार होती है बहुत ही बेकार होती है अब देखो होगा क्या हॉफनियम का जब न्यूक्लियर चार्ज बाहर घूमने निकलेगा तो F जो है वो उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो जब F उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो वो D के पास गया और जब D के पास गया तो क्या करेगा D वाले को खींच के अंदर लाएगा तो जब D वाला अंदर खींच जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा इस केस में कम हो जाएगा जबकि इसमें इस केस में क्या है एस की शील्डिंग बहुत ही अच्छी है तो जब जिरकोनियम का चार्ज बाहर घूमने निकला तो उसे एस मिला और एस ने उसे बाहर जाने ही नहीं दिया एस था और ये हमारे पास फोर डी है यहाँ पर अगर बात करें ये न्यूक्लियस ये सपोज करो फोर एफ है और ये फाइव डी है तो जब यहाँ से चार्ज घूमने निकला बाहर तो ये फोर एफ उसे रोक ही नहीं पाया ये बाहर चला गया और डी वाले को अंदर खींच लिया उसने जबकि इस केस में क्या है ये वाला चार्ज बाहर निकला सारा का सारा चार्ज जो है मैक्सिमम मैक्सीम ने रोक लिया फोर डी के पास बहुत कम पहुँचा जब फोर डी के पास कम पहुँचेगा तो अंदर ये कम खींचेगा देखो ऐसा होगा क्या कि जिरकोनियम जो है वो तो अपनी जगह रहा जैसा था वो मगर हॉफियम छोटा होना स्टार्ट हो गया जिरकोनियम अपनी जगह रहा हॉफियम उसे नीचे उसको बड़ा होना चाहिए मगर हॉफियम क्या हुआ छोटा होना स्टार्ट हुआ वो तो छोटा हो के हो कहाँ पहुँच गया जिरकोनियम के जैसा हो गया वो तो जो साइज़ है जिरकोनियम का वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है हॉफियम के क्योंकि जिरकोनियम तो रहा अपनी जगह मगर हॉफियम क्या हो गया छोटा होता चला गया छोटा होता चला गया तो छोटा हो हो के होके कहाँ पहुँच गया अपने ऊपर वाली जगह पर पहुँच गया जरुकोनियम की जगह पहुँच गया ठीक तो है तो जिरकोनियम और हॉफनियम इनका साइज़ सेम हो जाता है जनरली होना क्या चाहिए था क्योंकि जिरकोनियम ऊपर है और हॉफनियम नीचे है तो हॉफनीम को होना बड़ा चाहिए था मगर हो क्या गया दोनों सेम साइज़ के हो गए और ये सब हुआ क्यों ये सब हुआ ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ फोर एफ सबशेल फोरथ सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से हॉफीम जो है उसका साइज क्या हो गया छोटा होता गया होता गया तो इसे ही कहा जाता है लेंदनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिस इज कॉल्ड लेंदनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखें तो क्या कहेंगे उसे द डिक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट due to poor shielding of 4f subshell the decrease in the size of element due to poor shielding of the 4f is called lanthanoid कॉन्ट्रैक्शन ठीक है तो समझ में आया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो को दोबारा से एक बार पीछे जाके दोबारा से उसे समझो सही से ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है द साइज़ ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनीम इज ऑलमोस्ट सेम दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेंथवेंट कॉन्ट्रैक्शन तो एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो अगर अब स्कूल एग्जाम में है तो सिंपल एक लाइन लिखनी होती है द साइज़ ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनीम इज सिमिलर ड्यू टू लेंथ रेंट कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है द डिक्रीज इन द साइज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम और ड्यू टू पोअर शेडिंग ऑफ द फोर एफ इज कॉल्ड लेंथराइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है तो दिस इज अबाउट द लेंथराइड कॉन्ट्रेक्शन देखो लेंथराइड कॉन्ट्रेक्शन समझ गए हैं तो साथ में लगे हाँ तो हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन को भी देख लेते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन हालांकि ये टॉपिक जो है ये ट्वेल्थ का है मगर क्योंकि हम देख ही रहे हैं तो एक साथ सभी देख लेते हैं ठीक है अगर जो अलेवन्थ क्लास के बच्चे हैं अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो देकन स्किप द टॉपिक ऑफ एक्टीनॉइट कॉन्ट्रेक्शन ठीक है मगर लेंथनाइड कॉन्ट्रेक्शन तो याद रखना रखना है देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो लेंथनाइट था उसमें पुअर शील्डिंग जो थी वो किसकी वजह से थी फोर एफ की वजह से तो अगर पुअर शील्डिंग फोर एफ की वजह से है जिसके कारण साइज कम हो जाता है उसे कहते हैं लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन अगर पुअर शील्डिंग फोर एफ की वजह से है जिसके कारण साइज कम हो जाता है तो उसे कहते हैं लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन इफ द पुअर शील्डिंग इज ड्यू टू फाइफ एफ जो पुअर शील्डिंग है पुअर शील्डिंग फाइफ एफ की वजह से है जिसके कारण साइज कम हो जाता है उसे कहते हैं हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ठीक है एग्जैक्ट सेम लेंथ्रॉइड कॉन्ट्रेक्शन जैसा ही है लेंद्रॉइड कॉन्ट्रेक्शन में क्या था शील्डिंग जो थी वो फोर एफ की पुअर थी जिसकी वजह से लेंद्रोइड कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था एक्टिनोट कॉन्ट्रेक्शन में क्या है फाइफ एफ की शील्डिंग पुअर है जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है जैसे कहते हैं हम एक्टेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है तो सिंपल सा अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख लूँ कि वाट इज एक्टेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन तो सेम वही डेफिनेशन तो अगर साइज फाइव एफ की वजह से कम हो रहा है इट इज़ कॉल्ड एक्टेनोइड कॉन्ट्रेक्शन एंड अगर साइज फोर एफ की वजह से कम हो रहा है इट इज़ कॉल्ड लेंथ्रॉइड कॉन्ट्रेक्शन तो बहुत सिंपल सा है अब देखो अगर मैं एक्टेनोइड वर्सेस लेंथनोइड इनको कंपेयर करूं तो बताओ कौन बहुत बेकार होगा एक्टनॉइड कॉन्ट्रेक्शन जो है वो फाइव एफ की वजह से हो रहा है लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन फोर एफ की वजह से हो रहा है एफ़ की शील्डिंग तो वैसी बेकार होती है ऊपर से जब पांचवा शेल आ गया तो शील्डिंग जो है वो और बेकार हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस से और दूर चला गया जबकि यहाँ पर क्या है चौथा ही शेल है तो कंपेरिजन टू द फाइव एफ एफ तो बेटर है तो एक्टरनाट कॉन्ट्रेक्शन जो है वो साइज को ज्यादा कम कर देता है एज कंपेयर टू लेंथ्रॉइड कॉन्ट्रेक्शन सो एक्टरनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लेंथ्रॉइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है क्या है एक्टरनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इज ग्रेटर देन लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन फ्रॉम Element to element, actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction from element to element. This is uh, this is because in actinoid the poor shielding is due to five f, then four f. लेंदन ऑड ठीक है तो एक्ट्राइड कॉन्ट्रेक्शन में जो पुअर शील्डिंग हो रही है वो फाइव एफ की वजह से हो रही है और फाइव फाइफ बहुत ही बेकार होगा फोर एफ से तो पक्का बेकार होगा तो जिसकी वजह से जो एक्ट्राइड कॉन्ट्रेक्शन है उसमें साइजिज़ ज़्यादा छोटे हो जाते हैं एज कंपेयर टू तो द देंद्रेड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है तो दिस इज द एक्सेप्शन कि जिरकोनियम और हॉफियम का जो साइज़ है वो सेम होता है तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साइजेस का जो वेरिएशन है वो कैसे कैसे चलता है ठीक है तो दिस इज़ द सेकेंड एक्सेप्शन सो अभी तक हम दो एक्सेप्शन देख चुके हैं पहला देखा था हमने एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज़ में दूसरा देखा हमने ज़िरकोनियम और हॉफनियम के साइज़ में एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताई हैं जिसको समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा से इसको बैक करके देख लो अगर फिर भी नहीं आता है तो देखें नाज इन द कमेंट सेक्शन अब देखो तीसरी दिक्कत क्या आती है दो तो हमने देख लिया दो एक्सेप्शन एक तो एल्यूमिनियम गैलियम और ज़िरकोनियम ऑफनीम तीसरी दिक्कत क्या आती है लाइक हम थ्री सीरीज लिखते हैं थ्री सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीस फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा ठीक है स्कैंडियम क्रोमियम मैग्नीस फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक ठीक है अब देखो ये सारे के सारे बिलोंग्स टू द सेम पीरियड और पीरियड नंबर कौन सा होता है इसमें फोर्थ पीरियड है ठीक है थ्री 3D सीरीज को क्यों कहा अभी पता चल जाएगा आगे एक होती है फोर सीरीज और एक होगी इसी तरह से फाइव सीरीज फाइव सीरीज में इट इज फिफ्थ पीरियड 4D सीरीज में इट इज फिफ्थ पीरियड और फाइव डी सीरीज में इट इज सिक्स पीरियड ठीक है 4D सीरीज के मेंबर्स कौन कौन से हैं येट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मोलिबिडनम टेक्नीशियम रूटिशियम रोडियम पैलेडियम अर्जेंटम एंड कैडमियम ठीक है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई ठीक है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें में पड़े अगर कोई ठीक है अब देखो अभी जो हमने नॉमल ट्रेंड पढ़ा था एक पीरियड में मूव करते वो क्या था कि एज यू मूव इन ए पीरियड द साइज़ विल डिक्रीज़ क्योंकि उसमें क्या होता है जो न्यूक्लियर चार्जर बढ़ता जाता है क्योंकि शेल्स तो सेम रहते हैं शेल्स सेम हैं मगर जो प्रोटोन बढ़ते जाते हैं जैसे इसमें हमारे पास टोटल चार ही शेल हैं क्योंकि फोर्थ पीरियड चल रहा है तो फोर्थ पीरियड में चार ही शल होंगे इसका नंबर होगा इक्कीस इसका नंबर होगा तीस तो यहाँ पर चार शेल में इक्कीस लोग खींच रहे हैं और यहाँ पर चार ही शेल में तीस लोग खींच रहे हैं तो ज़्यादा कौन खींच लेगा तीस वाला खींच लेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा नॉर्मल ट्रेंड ऐसे ही चलता है कि जब हम मूव करते हैं पीरियड में तो पीरियड में मूव करते हुए स्कैंडियम टू जिंक अगर हम मूव करेंगे तो पीरियड में मूव करते हुए साइज़ क्या होगा साइज़ कम होता रहेगा सो so, अगर हम स्कैंडियम से जिंक तक मूव करते हैं तो साइज़ कम होना चाहिए मगर ऐसा होता नहीं है तो यहाँ पर जो वेरिएशन है कैसे आता है स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक तो साइज़ बढ़ता है इन तीन में मैग्नीज़ में, फ़ेरस कोबाल्ट निकल यहाँ तक ले लो इन में साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है कॉपर और जिंक में साइज़ बढ़ जाता है अब ये क्या परेशानी आ गई पहले साइज़ सेम रह रहा है बढ़ जा रहा है फिर सेम हो रहा है और फिर बढ़िया रहा पहले बढ़ रहा है साइज़ सो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक साइज का वेरिएशन कैसे होता है देखो अगर मैं स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक मूव करूँ तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा ये मूव करें पीरियड में साइज़ क्या होगा कम होगा देन इन तीन में साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है कॉपर और जिंक में आके साइज़ क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो पहले साइज़ नॉर्मली फॉलो कर रहा है देन फिर सेम हो जा रहा है ये क्या हो रहा है उसके बाद साइज़ जो है क्या हो जा रहा है साइज़ बढ़ जा रहा है तो ये जो एनोमली आ रही है क्यों आ रही है तो इसका रीज़न जो है वो दिखते हैं हम तो देखो देखो तो अगर मैं इन सबका कन्फिग्रेशन भरूँ तो कन्फिग्रेशन भरना सीखा है हमने तो सबसे पहले तो सभी में जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा वो आर्गन होगा स्कैंडियम में क्या होता है फोर एस टू थ्री डी वन दिस इज डी टू दिस इज डी थ्री ये एक्सेप्शन है वो का तो दिस इज फोर एस वन थ्री डी फाइव दिस इज फोर एस टू थ्री डी फाइव आयरन इज डी सिक्स डी सेवन डी एट कॉपर वन अगेन एक्सेप्शन फोर एस वन थ्री डी टेन और जिंक फोर एस टू थ्री डी टेन तो देखो अगर मैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मूव कर रहा हूँ देखो हमें पता है कि डी में कितने ऑबेटल होते हैं डी हैज़ फाइव और सभी के पास जो डी है उसमें कितने ऑबिटल रहेंगे पांच और रहेंगे तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डी में दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डी में तीन ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डी में पाँच इलेक्ट्रॉन हो गए फिर से यहाँ पर डी में पाँच इलेक्ट्रॉन है मगर जैसे ही हम मूव करेंगे आयरन में तो आयरन में क्या है वन टू थ्री फोर फाइव और दोबारा से यहाँ पर डी में चला गया डबलिंग स्टार्ट हो गई ऐसे ही डी सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और यहाँ पर भी पूरे के पूरे दस रहेंगे जिंक में ठीक है ये हमने हंड्स के अकॉर्डिंग भर लिया है अब देखो होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर और मैगनीस तक की देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसके पास जगह बहुत है हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसके पास अच्छा खासा स्पेस है कोई भी इसमें माला पेटी नहीं होगी क्योंकि अगर हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं दो चार लोग आए हैं तो हम उसको आसानी से रख सकते हैं क्योंकि जगह बहुत पड़ी है मगर अगर लोग हमारे पास घर में मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए जैसे इन सब के केसेस में हो रहा है तो जब इन सब के केसेस में क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की डब्लिंग स्टार्ट हो गई जब डब्लिंग स्टार्ट हो गई तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पहले से प्रेजेंट था ऊपर से उसी कमरे में मैंने कहा जा तू भी रह ले उसका मेहमान आया था उसके उसको, उसको भेज दिया हमने कि जा तू भी उसी के साथ रह ले तो होगा क्या उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट होंगे तो जब यहाँ पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डब्लिंग स्टार्ट हुई तो उससे हुआ क्या कि जो रिपल्शन है वो रोल में आने लगा पहले एक आया तो थोड़ा रिपल्शन हुआ फिर दो आए फिर और रिपल्शन हुआ फिर तीन आ गए फिर और रिपल्शन फिर तो सभी में भर गए पूरे पूरे जबरदस्त रिपल्शन हुआ तो इन दो केस में क्या हो रहा है रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर रहा है ठीक है आयरन कोबाल्ट निकल आयरन कोबाल्ट निकल इन तीन में क्या हो रहा है इन तीन में रिपल्शन हो तो रहा है मगर क्योंकि थोड़े स्पेस खाली पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से रिपल्शन नहीं हो रहा है तो इसमें अट्रैक्शन जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन ये एक दूसरे को क्या करते हैं बैलेंस करके रख रहे हैं जबकि स्कैंडियम से लेकर में क्या है इसमें जो अट्रैक्शन है अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है ठीक है तो पहले स्कैंडियम से लेकर मैग्नीस तक जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो डोमिनेट करेंगी आयरन से लेकर निकल तक इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगे कॉपर जिंक यहाँ पर फाइनली जो रिपल्शन है जीत जाएगा और जो कमरे में घुसपैठिया आया है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पर हमने कहा था कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीस साइज़ क्या हो रहा है नॉर्मली फॉलो कर रहा है वो ट्रेंड तो नॉर्मली फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या होगा पीरियड मूव करते हुए साइज़ जो है कम हो रहा है तो क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है तो साइज़ क्या होगा स्कैंडियम से लेकर मैगनीशक साइज कम होता है आयरन को बाड यहाँ पर क्या होता है क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों सेम हो गए उस केस में साइज़ जो है वो इधर ना होगा ना उधर होगा तो टच समझ नहीं होगा साइज़ क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा जबकि कॉपर और निकल में यहाँ पर एकदम सरफ टोबल हो गया पूरा और कॉपर और जिंक में क्योंकि रिपल्शन डोमिनेट कर गया है क्या करेगा वो साइज़ को बढ़ाएगा तो साइज़ विल इंक्रीज तो जो अनोमली आती है कि पहले साइज़ कम हो जाता है फिर सेम हो जाता है फिर बढ़ जाता है तो ये क्यों आ रही है इसका रीज़न अभी हमने समझा ठीक है तो एक बार इसको स्टेटेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीस एट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेटिंग एट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं सो साइज विल डिक्रीज इन आयरन कोबाल्ट एंड निकल अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू रिपल्शन सो द साइज विल रिमेन सेम इन कॉपर एंड जिंक रिपल्शन डोमिनेट तो रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो साइज क्या होगा साइज विल इंक्रीज, ठीक है सो so, ये हमारे पास स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक का जो ट्रेंड है वो आ गया फर्स्ट द साइज विल डिक्रीज द साइज विल रिमेन सेम साइज विल इंक्रीज ठीक है सो so, अगर मैं ग्राफ सपोज करो प्लॉट करता हूँ बिटवीन एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक नंबर तो देखो थ्री डी सीरीज के लिए किसके लिए प्लेस कर रहे हैं हम थ्री सीरीज़ के लिए तो थ्री डी सीरीज़ में पहले क्या होता साइज़ कम हो रहा था जैसे नॉर्मल ट्रेंड होता है देन साइज सेम हो गया था देन साइज बढ़ रहा था तो ये जो ट्रेंड है ये किसके लिए है थ्री सीरीज़ के लिए फर्स्ट साइज विल डिक्रीज न साइज़ विल रिमेन सेम न साइज़ विल इंक्रीज़ ठीक है तो ये हमारे पास थ्री सीरीज़ का एटोमिक रेडियाई या एटोमिक साइज़ बोल लो उनका ट्रेंड आ गया ठीक है अब अगर मैं फोर की सीरीज़ की बात करूँ तो फोर सीरीज़ में भी सेम तरीका फॉलो होगा जैसे देखो यहाँ पर लिखा था येट्रीएम से लेकर येट्री से लेकर और कैडमियम तक तो साइज जो है सेम यही ट्रेंड फॉलो करेगा पहले कम होगा देन सेम हो जाएगा देन बढ़ेगा ठीक है तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा ये 4D सीरीज का ग्राफ हो गया सेम वही लॉजिक लगाएंगे पहले साइज कम होगा क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था फिर साइज सेम हो जाएगा ऑलमोस्ट क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहे थे देन साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर रहा था तो फोर्डी सीरीज के लिए ऐसा हो जाएगा देखो थ्री सीरीज के लिए साइज और फोर डी सीरीज़ के लिए साइज़ तो साइज़ क्या होता है बड़ा होगा हमें पता है कि जब हम मूव करते हैं इन ग्रुप तो साइज़ जो है वो बड़ा होता है ठीक है तो थ्री से मूव किया फोर में साइज़ क्या हो गया बड़ा हो गया मगर एक दिक्कत यहाँ पर आती है अगर मैं 5D सीरीज़ का बनाऊं तो 5D सीरीज़ जो है वो जस्ट 4D सीरीज़ को टच करते हुए जस्ट चिपक चिपक के चलती है आई होप ये जो येलो कलर है ये आपको दिख रहा होगा ये जो येलो कलर से बनाया है ये किसके लिए है दिस इज़ फॉर द फाइव डी येलो इज़ फॉर द फाइव डी तो ये है मेरे पास फाइव डी के लिए ठीक है देखो फाइव डी सीरीज़ और ये फोर डी सीरीज़ तो यहाँ पर कुछ तुम अजीब सा नहीं लग रहा है यहाँ पर कुछ जब अगर हम मूव किए थ्री डी से फोर डी तक तो देखो एक अच्छा खासा डिफरेंस आया साइज़ में मतलब अगर मैं स्कैंडियम और जेट्रियम इनका साइज़ देखूँ तो येट्रियम और स्कैंडियम के साइज़ में एक अच्छा खासा डिफरेंस होगा और वो वही ऑब्वियसा यही है क्योंकि हम मूव कर रहे हैं एक ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप में तो शेल बढ़ेगा और शेल बढ़ने के साथ क्या होगा कि जो साइज़ है वो कम हो जाएगा बढ़ जाएगा मगर अगर मैं फोर डी से फाइव डी मूव करूँ तो भी तो एक शल बढ़ रहा है पहले एक शल बढ़ने पे इतना डिफरेंस आ गया फिर एक शल बढ़ने पे ना तो थोड़ा सा ही डिफरेंस क्यों आ रहा है अब यहाँ पर जो रीज़न लाई करेगा वो वही रीज़न है जो हमने पहले पढ़ा हुआ था और वो क्या है दैट इज़ लेंदेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है जैसे सिंपल से के एक एग्ज़ाम्पल ले ले लेते हैं इक जिरकोनियम एंड हॉफनियम जिरकोनियम जो है इट बिलोंग्स टू द फोर डी सीरीज और हॉफनियम जो है ये बिलोंग करता है फाइव डी सीरीज को ठीक है और अभी हम पीछे समझ के आए हैं कि जरूकोनियम और हॉफनियम जो है इनके साइज़ क्या होते, है? होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं मतलब फोर और फाइव इनके साइज़ क्या चल रहे हैं फोर और फाइव के साइज़ क्या चल रहे हैं ऑलमोस्ट सेम और ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि जो फोर सीरीज़ है और जो फाइव सीरीज़ है इनके साइज़ कैसे चल रहे हैं देखो एकदम तो चिपक चिपक के चल रहे हैं मीन्स इनके साइज़ के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत ही कम है सो so, जिकोनियम और हॉफनियम इनका साइज़ क्या होता है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ठीक है और इन सबका कल्पिट कौन है द कल्पिट इज़ लैंडराइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है तो ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है और साइज जो है पहले कम होता है देन सेम रहता है देन बढ़ता है इसका रीज़न में देख लिया और साइज थ्री डी सीज फोर डी सीरीज और फाइव डी सीरीज में कैसे वेरी करता है वो भी देख लिया थ्री डी से फोर डी में अच्छा खासा डिफरेंस होता है साइज में फोर्टी और फाइव डी का साइज़ क्या होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है एंड दिस इज ड्यू टू देंथ थर्ड प्रोट्रक्शन शील्डिंग पोर हो गई थी और शील्डिंग जब पोर हो गई तो फाइव डी वाला खिंच गया अंदर की तरफ न्यूक्लियस के पास जो फाइव डी खिंच गया तो उसका साइज छोटा हो गया और छोटा होकर गया कहाँ पहुँच गया फोर डी के पास पहुंच गया इसीलिए जो डिफरेंस है वो कम आए हुआ है ठीक है so this is about the size of length contraction or uh, the anomalies of size in the d block elements